तो देखिए राजस्थान में ये सवाल बना हुआ है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। और इस बीच बड़ी खबर ये है कि गहलोत की सुरक्षा को लेकर जारी आदेश पर राजनीति शुरू हो गई है। राजस्थान में विपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौड़ ने सवाल उठा दिया है। राठौड़ का कहना है कि गहलोत की सुरक्षा में डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती समझ से परे है। जननायक को सुरक्षा की जरूरत क्यों है? आखिर वो कौन सी सूचना है जिसके आधार पर डिप्टी एसपी स्तर की सुरक्षा दी गई है? देखिए इस वक्त राजस्थान से बड़ी खबर, जहां गहलोत की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाए हैं। सुरक्षा में डिप्टी एसपी की तैनाती पर सवाल उठाया है राजेंद्र राठौड़ ने। कहना यह है कि जन नायक हैं, सुरक्षा की इस तरीके के घेरे की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो आदेश जारी हुआ है सुरक्षा का, उसमें तो डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी और 8-12 को जारी हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा निश्चित तौर पर कोई भी सरकार आए उसका कर्तव्य भी है, उसको करनी भी चाहिए। परंतु अचानक सुरक्षा की आवश्यकता इतनी पड़ जाए कि दो दो तीन तीन चार चार डीवाईएसपी स्तर के अधिकारियों को तैनात कर दिया जाए, अचानक इंटेलिजेंस का पुट आ जाए, यह मेरी समझ के परे की बात है। अचानक चुनाव के बाद में वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करें, वो तो जननायक है, जननायक को किस प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता? हम लोग हैं जिनको सीधी थ्रेट है, हमने कभी सुरक्षा की मांग नहीं की, उनको किस प्रकार की थ्रेट, इसका खुलासा होना चाहिए। दूसरी बात ये कि 3 तारीख को परिणाम आ जाते हैं, उसके 5 दिन बाद 8 तारीख, मैंने उस आदेश को देखा है, 5 दिन बाद पूर्व मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा की व्यवस्था हो, इस पर तो मैं सहमत हूँ, पर किस आधार पर दो दो तीन तीन डीवाईएसपी स्तर के अधिकारियों को तैनात कर दिया जाए, वो कौन सी आउटपुट था उसके बारे में जानकारी हो तो अच्छा रहेगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।